अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। उसके लिए मैंने ये चार छोटी छोटी मूली थी और इनको कद्दूकस कर लिया है और इसमें नमक डाल के रख दिया था। मैंने ये प्रोसेस आपको दिखाया नहीं है, मैंने इसमें नमक डाल के रख दिया था क्योंकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। तो चलिए जी, एक और छोटी सी कढ़ाई लेते हैं और इसमें और एक चलनी लेते हैं और एक कटोरी। इसमें अच्छी से इसको अभी तो इसी में निचोड़ देंगे सारा इस तरह से करके, क्योंकि नमक आप ना पहले अगर डाल देते हैं जितना एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा निकल जाता है। देखिए अभी मूली बहुत छोटी छोटी सी मूली आ रही हैं, तो ये चार मूली हैं। आपके कम से कम तीन से चार पराठे इसमें आराम से बन सकते हैं। देखिए किस तरह से ये हमने अच्छे से इसको निचोड़ लिया है कस के एकदम से, और देखिए इसका इतना जो पानी निकला है, ये पानी भी आप फेंके ना, इस पानी से आप आटा भी गूंद सकती हैं। अगर आपको आटा नहीं गूंदना है तो इस पानी को इस तरह से छान के रख लें। अगर आपके घर में किसी को पेट में कीड़े हैं, जैसे बच्चा रात में दांत चबाता है और तो उसका मतलब है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो इसको इसमें काला नमक पड़ा हुआ है, इस पानी को आप फेंके नहीं और इस पानी को आप पी भी सकते हैं। ये पानी बहुत ही फायदेमंद है। या जिन लोगों का फैटी लिवर है वो लोग भी इस तरह से रस निकाल के नहीं उसका मूली का वो पी सकते हैं, या जिनको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो भी इस तरह के से पी सकते हैं। वो मर्जी है आपकी, नमक डाले ना डाले, कि काला नमक डाल के पिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए जी, इसमें मसाले मिलाते हैं। अब इसमें हम जो मसाले मिलाने वाले हैं, ये थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ है, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये एक हरी मिर्च है बारीक वाली, ये क्वार्टर स्पून है जीरा, और बहुत एक चुटकी है कलौंजी और एक चुटकी है अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अजवाइन अगर पराठे या कोई भी तली हुई चीज़ से गैस ज़रूर होती है पेट में। ये एक ही चुटकी काला नमक है, और ये आधा स्पून है चाट मसाला, और ये आधा स्पून है पेस्ट है उसका लहसुन का, और ये एक छोटी सी प्याज है, उसको भी हमने इससे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो बिस्मिल्लाह करके हम सारे मसाले इसमें मिलाते हैं, लेकिन नमक सबसे लास्ट में मिलाएंगे, नमक और चाट मसाला, क्योंकि इससे ना इसमें फिर से जो हमने पानी निकाला है वो पानी फिर से हो जाएगा इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। बस जब हमें लगेगा हम बिल्कुल बनाने वाले हैं एकदम से, तभी हम मसालों को इसमें इस नमक और चाट मसालों को मिक्स करेंगे। तो हमें बना के रखना नहीं है, हमें फौरन ही बनाना है। तो बस इसमें हम चाट मसाला और नमक भी मिक्स करे दे रहे हैं। देखिए मैंने मूली घिसते हुए नहीं दिखाया, कि ये तो सभी को पता, इतना तो पता होता है। अगर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको नहीं पता है, कुछ लोगों को जो नए बच्चे हैं कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं आपको फिर से पूरा बनाऊंगी और फिर से पूरा प्रोसेस करके मैं दिखाऊंगी। हमारा मिक्सर तैयार हो गया है और बस हम अब लोइयाँ बनाते हैं। और आप देखिए मैंने इस तरह से एक लोई ली है, इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, बीच में सिर्फ पतला करना है इस तरह से। और इसमें अब आप जितना चाहो आप ज्यादा भरो कम भरो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। बस इस तरह से भर के इसको इस तरह से बंद कर दूंगी। देखिए मैं इस तरह से, अब मेरा भर गया है, मैं इस तरह से आराम आराम से आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े जैसे भी आप बनाना चाहो आप बना सकते हैं। हमारा पराठा तैयार हो गया है
अब कि यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन रख लिया है और इसके नीचे मैंने गैस ऑन कर दी है और बस अपने पराठे को डालते हैं। आप अगर आपको लगता है मोटा है तो आप इस तरह से हाथ से भी बढ़ा सकते हैं। इतने ही सिकरा इतने हम दूसरा भी अपना देंगे। देखिए हमारा एक तरफ से अभी हल्का बहुत तेज गर्म नहीं हुआ है तवा, तो गैस को थोड़ी सी तेज करते हैं। अभी हमारा बहुत हल्का सा, इस पर कोई ख़ास कलर नहीं आया है, लेकिन आपकी मर्जी, आप बटर या ऑयल कुछ भी, लेकिन मैं रिफाइंड में बना रही हूँ इनको, तो आप कम ऑयल, तो देखिए कुछ वो नहीं है शान के हमें बहुत ज़्यादा ऑयली, जितना ऑयल कम से कम लगाया जाए। बच्चे हैं, बच्चों को अगर देना आप बटर वगैरह लगा के दे दें, लेकिन ये अगर बड़े लोग खा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि या तो जैतून का तेल सबसे बेस्ट है, वरना तो फिर सरसों का तेल। लेकिन कभी कभी मजबूरी में इंसान को कोई भी यूज़ करना पड़ जाता है, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप ऑयल का बहुत ही कम यूज़ करें। देखिए हमारा सिक रहा है, बस ये देखिए हमारा कितना शानदार सा पराठा सिक गया दोनों साइड से। देखिए ना फटा है ना कुछ हुआ है, और देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कुक हो गया है। अब इसको हम रखते हैं और फिर अब दूसरा पराठा डालते हैं। दूसरा पराठा डालते हैं, इसको भी इसी तरह सेकते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए हमारा कितना अच्छे से ये सिक गया है। आपकी मर्जी है, आप घी में बनाना चाहती हैं, बटर में बनाना चाहती हैं, आप किसी में भी, जो आपकी मर्जी है आपके घर में, जो खाया जाता हो, जो आपको पसंद हो, आप उसमें बनाइए। देखिए कितने अच्छे अच्छे करारे करारे पराठे हमारे सिक गए हैं। अगर आपको लगता है, जैसे अभी गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है जैसे कि वही अभी खाने वाला नहीं है, तो आप इनको ना एक साइड से पचा के भी रख सकते हैं। देखिए जी हमारा ये लास्ट पराठा, कि हमारे चार मूली थी उसमें हमारे चार ही पराठे बने हैं, और ये हमारा लास्ट पराठा है, और लगभग ये भी हो चुका है। तो गैस को ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं फिर। देखिए हमारे चारों पराठे बनके तैयार हो गए हैं। हम इसको खाने वाले हैं हरी मिर्च के अचार से और टमाटर की चटनी से। वो आपको डिपेंड करता है आप कैसे खाएंगे। देखिए कितने शानदार गर्मा गर्म पराठे, देखिए बहुत अच्छे एकदम से। देखिए मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ, देखिए गरम है कि छुए भी नहीं जा रहे हैं। देखिए शानदार, इसमें मसाला इतना आया है इसमें, और देखिए साथ में हम अदरक वाली चाय है, तो ये भी साथ में, ये विदाउट शुगर ले रहे हैं हम अदरक वाली चाय। तो आप भी इसी तरीके से आ जाइए नाश्ता करने। देखिए बारिश में पड़ रही है और मज़ा आ जाएगा इस तरह से आप नाश्ता करेंगे, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे तरीके से ट्राई करिएगा। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।